की एक क्इज के साथ आज का दिन शुरू होता है ये क्वीज़ आपको इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में काफ़ी कुछ बताएगी पहला क्वेश्चन द बेस ऑफ ईच पिरामिड रिप्रजेंट्स बाई इन मोस्ट इकोसिस्टम्स बींग रिप्रेजेंटेड बाई प्रोड्यूसर बाई द ग्रीन प्लांट बाई द्रास they all uh, they all uh, are come under the head producer so here the correct answer is option d all all these options are actually form the base of each pyramid represents by in most ecosystems producers at the base producers are green plants grass so all is the correct answer of correct answer is option d नाउ दे इन ग्रास लैंड एकोसिस्टम दिड ऑफ नंबर इज ऑलवेज अपराइट क्योंकि हम जब ग्रास लैंड एकोसिस्टम को देखते हैं तो जो ग्रासेस होती हैं प्रोड्यूसर होती हैं उनका नंबर ज़्यादा होता है तो प्रोड्यूसर्स का नंबर जब ज़्यादा होता है तो उनको खाने वाले हरबी बोर्स का नंबर कम होगा उसके ऊपर प्राइमरी कार्डिबोर्स का नंबर कम होगा और टॉप कार्डिबोर्स का नंबर सबसे ज़्यादा कम होगा तो जो पिरामिड जिस शेप का बनेगा वो शेप अपराइट होता है और अपराइट शेप को ही हम पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रास लैंड बता पाते हैं तो यहाँ पर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अपराइट तो ये भी देखना चाहिए कि ग्रास लैंड में हम जब पिरामिड ऑफ नंबर की बात करते हैं तो सबसे नीचे ग्रीन प्लांट्स होते हैं यानी ग्रासेस और उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है इसीलिए ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर इज ऑलवेज अपराइट ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इन ट्री इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ नंबर इज इनवर्टेड ट्री इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं तो ट्री एक सिंगल इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करता है यानी यहां पर एक पेड़ एक ट्री एक सिंगल प्रोड्यूसर है एक बेस है यानी कि इसके ऊपर जो बर्ड्स होंगी जो इस ट्री को एज हरवी बोर्स इसको इसके सीड्स को इसकी लीव्स को ईट करेंगी खाएंगी उनका नंबर ज़्यादा होगा और उनको जो खाएंगी उनका नंबर कम होगा यानी कि यहाँ पर हालांकि ट्री इको सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंट शेप होता है बट इट मे बी सेड दैट दिस पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री इको सिस्टम इज एक्चुअली इनवर्टेड सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इन्वर्टेड इंट्री इकोसिस्टम दिरामिड ऑफ नंबर इज ऑलवेज इन वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास मोस्टली अपराइट जैसे कि पिरामिड ऑफ नंबर हमेशा अपराइट होता है ऐसे ही पिरामिड ऑफ बायोमास सिर्फ एक्वेटिक इकोसिस्टम को छोड़ के बाकी जगहों पर अपराइट होता है यानी कि नीचे जो प्रोड्यूसर्स होंगे उनका बायोमास ज़्यादा होगा उसके ऊपर हरबी बोर्स का बायोमास कम होगा फिर कार्नी बोर्स का बायोमास और कम होगा यानी कि पिरामिड ऑफ बायोमास इज़ ऑलवेज अपराइट ये हमेशा अपराइट होता है और पिरामिड ऑफ नंबर की तरह ही नीचे बेस पर इसमें प्रोड्यूसर्स की संख्या ज़्यादा होती है तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ बायोमास बोथ आर मोस्टली अपराइट ये ट्री इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड होता है इसी प्रकार से पिरामिड ऑफ बायोमास मोस्टली अपराइट होता है इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अपराइट इन सम समेटेग इकोसिस्टम्स लाइक लार्ज लेक्स एंड ओशंस द पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा इन्वर्टेड हो जाएगा क्योंकि जो प्रोड्यूसर होती हैं उनका बायोमास जो टॉप कॉर्नीवोर्स होते हैं उनके बायोमास से कम होता है उनके बायोमास से आ, कम होता है यानी कि जो वेल लार्ज वेल होगी जो लार्ज फिशेस होंगी उनका बायोमास ज़्यादा होता है और जो बेस पर फाइटोप्लैक्टन्स होते हैं एलगी होते हैं उनका बायोमास बहुत कम होता है तो बड़े बायोमास ऊपर वाले बड़े बायोमास वाले एनिमल्स ऊपर होते हैं छोटे बायोमास वाले एनिमल्स नीचे होते हैं तो ये एक प्रकार से ऐसा पिरामिड बनता है जो इन्वर्टेड शेप का होता है इसीलिए कहा जाता है कि पिरामिड ऑफ बायोमास इज़ ऑलवेज अपराइट बट इन एक्टिक इकोसिस्टम इट इज इन्वर्टेड ऑप्शन बी इनवर्टेड इज करेक्ट छठे क्वेश्चन को, को हम देखते हैं तो पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट होता है क्योंकि ये जितनी भी लाइट प्रोड्यूसर्स पे पड़ती है उसका सिर्फ़ एक परसेंट ही एकमुलेशन में इस्तेमाल होता है यानी वन परसेंट लाइट इज़ एक्चुअली यूज इन दी फोटोसिंथेसिस और इसका दस परसेंट हर ट्रॉफिक लेवल पर कम होता जाता है केवल दस परसेंट एनर्जी ही अगले ट्रॉफिक लेवल पर पहुंचती है बाकी नाइन्टी परसेंट एनर्जी उसी ट्राफिक लेवल पर कंज्यूम हो जाती है तो जो 10 परसेंट एनर्जी अगले ट्रॉफिक लेवल पे पहुंचती है इसको लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बोलते हैं और इसीलिए ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होगा, ये कभी भी नहीं होता, ये हमेशा अपराइट ही होता है यह बात ध्यान रखने वाली है नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो इकोसिस्टम सर्विसेज और फंक्शंस आर ग्रुप्ड इनटू फोर ब्रॉड कैटेगरीज ये चार ब्रॉड कैटेगरीज़ होती हैं जिसमें कि बायोजियो केमिकल साइकिल्स होता है एनर्जी फ्लो होता है और प्रोडक्शन होता है ये कई सारी ऐसी चार ब्रॉड कैटेगरीज़ होती हैं जिसमें इकोसिस्टम सर्विसेज और फंक्शंस को ग्रुप किया गया है और ये चार कैटेगरीज ये चार फंक्शंस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है और अक्सर लोग इसमें इसके दो फंक्शन लगा देते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक जबकि इसके चार कैटेगरीज होती हैं चार फंक् चार तरीके से ये सर्विस करता है चार तरीके से ये चीज़ों को सामने लाता है तो जो चार तरीके इनके होते हैं चीज़ों को सामने लाने के वो चार तरीकों के कारण ही इनकी जो सर्विसेज होती हैं उनको चार ग्रुप में बांटा गया है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी फोर रनिंग वाटर सच एज रिवर इको सिस्टम इज नोन एज लोटिक लोटिक इकोसिस्टम और लोटिक इको सिस्टम के कारण ही इसको जो है वो रिवराइन इको सिस्टम भी कहा गया है इसको रिवराइन इकोसिस्टम भी कहते हैं ये <coughs> फ्रेश वाटर लिम्नोलॉजी का एक पार्ट होता है और लिम्नोलॉजी का पार्ट होने के कारण इसमें एक रिवर लाइक होता है और एक इको सिस्टम जो है वो रिवराइन इकोसिस्टम है यानी कि रनिंग वाटर इको सिस्टम है और लेंटिक इको सिस्टम जो होता है या लेकोस्ट्राइन इकोसिस्टम जो होता है वो स्टिल वाटर का फंक्शन होता है यानी कि ये पॉन्ड और लेक का फंक्शन होता है तो यहां पर यह समझने वाली बात है आंसर ए लोटिक इज करेक्ट स्टैंडिंग वाटर सच एज लेकिन इज नोन एज लेंटिक ये लेंटिक इकोसिस्टम होता है और ये इसको लेकोस्ट्राइन इको सिस्टम भी बोलते हैं और ये स्टिल वाटर इको सिस्टम होता है और ये जो है वो रनिंग वाटर से डिफरेंट होता है इसको लोटिक इकोसिस्ट इकोसिस्टम से ये अलग होता है इसको लेंटिक इकोसिस्टम कहते हैं ये स्टैंडिंग वाटर जिसे लेक पॉन्ड इकोसिस्टम होता है उसको कहा जाते हैं ये दोनों लिम्नोलॉजी के पार्ट होते हैं और यहाँ पर यहाँ पर ऑप्शन ए लेंटिक इज़ द करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर इज लेंटिक देंथिक जोन डिस्क्राइब्स दॉटम ऑफ द ओशियन यानी अगर किसी बेंथॉस uh, की हम बात करते हैं तो हम उस इलाके की बात करते हैं जहाँ पर सन लाइट पहुँचना लगभग असंभव होता है जहाँ पर सन लाइट नहीं पहुँचती तो दोन एट द बॉटम ऑफ ए लेकर्म्ड बेंथिक

That is all for today. See you tomorrow with a new quiz.